हिंदी मीडियम वालों के लिए सेकंड चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स का, वो मौलिक अधिकार चैप्टर टू क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। सो हमारे पास संविधान में 6 मौलिक अधिकार है टोटल, जैसे कि पहले वीडियो में 6 फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट जो आपका फंडामेंटल राइट्स है, वो मैं डायरेक्ट राइट्स की बात करूंगा, ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स है। तो पहला अधिकार हमारा क्या है, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो समता के अधिकार से तात्पर्य यह है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिक और गैर नागरिक कानून के समान है, सब समान है, इक्वल टू लॉ। सो कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब लॉ के सामने बराबर है। सो ये समानता का पहला अधिकार है, ठीक है। कानून विधि के सम्मुख समानता, मीन्स हम कानून के बराबर, सामने सब बराबर। तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 में ये बैठा गया है कि भारतीय राज्य किसी व्यक्ति को विधि के सम्मुख समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो कानून के बराबर सब समान है, सब इक्वल है कानून के सामने। तो ये आपका क्या है, पर्टिकुलरली दिख रहा होगा आपको कि कानून के समान सामने या सम्मुख सारे इक्वल हैं। तो हिंदी मीडियम के लिए सामाजिक समता की स्थापना, तो समाज में सबके इक्वालिटी हो, इसलिए फर्स्ट हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 15 और 17 में, जिसमें सामाजिक में मीन्स सोसाइटी में सब इक्वल रहे, और आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 हमारा आर्थिक समानता मीन्स इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है। अनुच्छेद 15 पहले में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक को विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग और स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो हमारे को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हमारे किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो अब जाति हो, भाषा हो, धर्म हो, लिंग हो, स्थान हो, तो इक्वल है सब, ठीक है। ये आर्टिकल 15(1) में कहा गया है, ये आप देख सकते हैं। सो राजकीय सेवाओं में अवसर की समानता मीन्स जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के और जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स वगैरह हैं जॉब में, इक्वालिटी सेकंड जो समानता के अधिकार में ही आता है, ये सारे राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं। तो आर्टिकल 16 के दूसरे भाग में कहा गया है कि राज्य के नौकरियों में सभी पदों की नियुक्ति के संबंध में नागरिकों के लिए अवसर की समानता, ठीक है, सब समानता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे रिजर्वेशन भी है। अस्पृश्यता का अंत मीन्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17। तो अनुच्छेद 17 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अस्पृश्यता, ये एक नंबर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, टेस्ट में आते हैं, चाहे आपके एग्जाम के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि अस्पृश्यता का अंत कैसे हुआ, वो अनुच्छेद 17 से हुआ। हमारे टाइम पे भी क्वेश्चन आया था कि अस्पृश्यता मीन्स अनटचेबिलिटी का कैसे अंत हुआ, तो वो आर्टिकल 17 से हुआ, जिसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काफ़ी मेहनत की थी। तो इसमें आपको इक्वालिटी मिलती है, नौकरियों में स्थान सुरक्षित होता है इससे, रिजर्वेशन मान लीजिए राज्य के विद्यालयों में जो मीन्स SC ST OBC वाला शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न है, ठीक है, कोटा, सो यू कैन सी दैट। उपाधियों का अंत हुआ, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी से जो टाइटल्स थे ना, वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 की मीन्स उपाधियां जो दे रखी है, सर लगाते हैं या शेर बहादुर वगैरह जो उपाधियां होती हैं, उनका अंत हुआ आर्टिकल 18 से, जो कि समानता के अधिकार में आता है। अंग्रेज सरकार देश के लोगों को देशद्रोहिता के लिए तैयार करती थी और इन्हें राम साहेब, बहादुर खान, बहादुर सर साहब आदि उपाधियां वितरित करती थी। संविधान ने ऐसी उपाधियों की प्राप्ति प्रतिबंध लगाकर सामाजिक समानता की स्थापना की, सामाजिक इक्वालिटी के लिए इसको हटाना जरूरी था। सेकंड आपका जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, इट इज फंडामेंटल राइट इज स्वतंत्रता का अधिकार और राइट टू फ्रीडम, जिसमें अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है, 21 ए तथा 22 है। तो आर्टिकल 20, 21, 19, 22 ये सारे किसमें आते हैं आपके, अनुच्छेद 19 से लेकर है, जिसमें 6 आपके फ्रीडम है। फर्स्ट है आपकी वाक की स्वतंत्रता मीन्स भाषण अथवा अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा करने की आज़ादी, समुदाय या संघ, सहकारी समितियां मीन्स अपना आप कुछ बना सकते, कम्युनिटी वगैरह, ग्रुप वगैरह बनाने की स्वतंत्रता, पूरे देश में भ्रमण मीन्स कहीं भी घूम सकते हैं, ये आर्टिकल 19 के तहत आपको ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मिलता है, ठीक है। भारत में कहीं भी निवास, कहीं भी रहने का आपको ये फ्रीडम है, इक्वालिटी फ्रीडम मिलता है, ठीक है। व्यापार और कारोबार मीन्स बिजनेस करने की आपको फ्रीडम है कहीं भी, ये भी एक आपका फंडामेंटल राइट है।
थर्ड आपके जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मीन्स आपको पर्सनल फ्रीडम लिबर्टी, और आपके लाइफ सिक्योरिटी के लिए भी आपको फंडामेंटल राइट दिया जाता है। अब आप अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कि मीन्स आपको पहले प्रूफ करना होगा कि इन्होंने कुछ किया है गलत, तब आपको उसमें जेल में डाला जाए। तो अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कैसे हुआ ये, बिकॉज आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण की जानकारी होनी चाहिए कि आपको कोई पकड़ ले तो आप बचा सके अपने आप को। तो एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, मीन्स एक बार पकड़े गए एक अपराध के लिए तो वो आपका खत्म हो जाता है, तो आपको दोबारा उस चीज के लिए नहीं पकड़ा जा सकता। ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा, गवाही के लिए बाध्य नहीं कर सकते कोई, ठीक है, क्योंकि तो आपके मौलिक अधिकार हैं, पुलिस वाले आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। प्राणी जीवन तथा दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि जो आपको आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण जीवन मीन्स लाइफ के लिए आपको क्या दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने लिखे थे अपने हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, इसके PDF आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं हमारे 21 आर्टिकल, जो कि राइट टू फ्रीडम में ही है, इन सबको बारीकी से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एक ना एक आपसे राइट, जो फंडामेंटल राइट्स इस चैप्टर का नाम है, तो एक ना एक राइट आपसे जरूर पूछा जाएगा। सो शिक्षा का अधिकार कौन सा है, आर्टिकल 21A, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर बड़े बड़े एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। हमारा क्या है, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21, बंदी तथा नजरबंदी से संरक्षण, मीन्स कौन से आर्टिकल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो अनुच्छेद 22 आर्टिकल 22 में बंदी बनाए गए व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने के, जो वकील आप रख सकते हैं वो सब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं। बंदी बनाने का कारण बताया जाए, मीन्स किस लिए आपको अरेस्ट किया गया, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, बट ये जैसे फोटो लिया मैंने, ठीक है। कानूनी परामर्श, मीन्स आप वही वकील कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर स्टेट मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना, ये पुलिस की जो तैयारी करने के लिए इम्पोर्टेंट है, कि पुलिस मीन्स क्या क्या लॉज हैं जिनके अकॉर्डिंग आपकी जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स की, 24 घंटे के अंदर आपको लॉ मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वकील को आप परामर्श ले सकते हैं आपके साथ, पुलिस कोई गलत नहीं करेगा। निवारक नजरबंदी जरूर समझे, क्लास 11 हिंदी मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। निवारक नजरबंदी, किसी व्यक्ति को किसी अपराध की सजा दिया जाने ना होकर उनके अपराध करने से रोकना है, मीन्स यह दंडात्मक नहीं सुरक्षात्मक कदम है, कि कोई काम कोई गलत करने जा रहा है उससे पहले रोक ले, संदेह होने पर व्यक्ति को अपराध होने से पहले हवालात में बंद कर दे, मीन्स उसने अपराध अभी तक किया नहीं है, बट उससे पहले उसको हम क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को अरेस्ट कर लिया, होम अरेस्ट कर लिया, कि ये आगे गलती कर सकता है, इसके कारण बम विस्फोट, इसके कारण टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, तो उसको बंदी पर निवारक नजरबंदी कर दो, ठीक है। लेकिन उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाता, उन पर केस नहीं होता फिर। अब थर्ड जो आपका है मीन्स अधिकार, जो थर्ड आपका फंडामेंटल राइट है, इट इज शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल 23 24, ठीक है। पहले बेगार लेना अथवा स्त्रियों दासों व बच्चों को बेचते थे, पहले बेगार लेते थे और उनको बेचते थे, उनका शोषण हो रहा था, ठीक है। भारतीय संविधान में इन अनेक उपचारों कुरीतियों या शोषण पर प्रतिबंध के लिए अनुच्छेद 23 और 24 में राइट टू एक्सप्लोइटेशन में आपको आपको बेचा नहीं जा सकता, आपको बिना पैसे दिए काम नहीं करवाया जा सकता, ठीक है। मानव के क्रिया पर रोक लगी, आर्टिकल 23, ओके। बेगार आदि होने पर प्रतिबंध लगाया गया, आर्टिकल 23, मीन्स आपको बिना पैसे दिए काम नहीं करवाया सकते, ये आपका मौलिक अधिकार है, उन आर्टिकल 23 में ही आपको मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 24 में क्या है, कारखाने में बालकों मीन्स लेबर, चाइल्ड लेबर पे रोक किससे लगी, आर्टिकल 24 में आपका मेंशन है, जिससे कि आपका चाइल्ड लेबर बैन हुआ इंडिया में, ठीक है। तो एक नंबर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल के तहत आपका चाइल्ड लेबर बैन हुआ, वो है आर्टिकल 24। सो नाउ वी विल सी फोर्थ फंडामेंटल राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, कि आपका जो ये स्टेट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, और ये आपका जो अपना पर्सनल मैटर है, ये आपका आप कौन सा धर्म मानते हैं, तो आपका इसके लिए भी फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट है, आप कोई सा भी धर्म माने। अंतकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म को
अबाध रूप से मानना और वह उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मीन्स लोग मंदिर होने चाहिए, ये पता करना, ये चीजें सुनिश्चित करता आर्टिकल 25। ठीक है, विशिष्ट पंथ की अभिवृद्धि के लिए करों की है ना उपयोगी, तो ये आपका जो टैक्स कुछ मंदिर बन जाते हैं स्वतंत्रता है। ठीक है, आर्टिकल 27 में सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा रोक, आर्टिकल मीन्स आपको गीता भगवत या फिर कुरान स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपको मर्जी मीन्स भेदभाव ना हो, इसलिए अनुच्छेद 28 के तरफ सरकारी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक कि कोई आपको वो नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, गीता या कुरान स्कूल में जो साइंस इंग्लिश ये सब पढ़ाते हैं, क्योंकि ये चीजें आपकी पर्सनल हैं और ये आर्टिकल 21 रोक लगाता है। संस्कृति कल्चर, पांचवा जो आपका राइट है, फंडामेंटल राइट, इट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, विच इज आर्टिकल 21 एंड 30। ओके, भारत के निवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, विभिन्न प्रकार की भारत की मौलिक विभिन्नताएं देखते हुए भारतीय संस्कृति मीन्स कल्चर को लेकर के हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे अनुच्छेद 29 एवं उनके द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की उनकी अपनी भाषा लिपि, मीन्स जो कम लोग रह गए उनकी अपनी भाषा लिपि, उनको पूर्ण अवसर प्रदान किया है। इस प्रकार है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का अधिकार है। ठीक है, राज्य शिक्षण व संस्थानों प्रवेश का अधिकार है उनको। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना है और प्रशासन करने का अधिकार है। मीन्स वो अपना जो कम लोग रह गए उनको अपना अपना शिक्षा और अपने यूनिवर्सिटीज खोलने का ये राइट वगैरह है। अल्पसंख्यकों की संपत्ति तथा उनको क्षतिपूर्ता ना करने का है। ठीक है, अब सिक्स बहुत इम्पोर्टेंट और काफी ज्यादा पूछे जाने वाला आपका राइट है, मुझे अच्छा भी लगता है ये राइट, संविधान उपचारों का अधिकार, ये इन पांचों अधिकार की रक्षा करता है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और राइट, फंडामेंटल राइट। तो अनुच्छेद 32 लास्ट, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 32 के तहत हमें ये राइट है कि हम अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यवस्था के कारण, अब यदि राज्य कोई नागरिक मौलिक अधिकार से किसी को लोगों अथवा उन्हें नहीं छीनेगा या उन व्यक्ति पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की योग्य सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। मीन्स अगर उनको ये चीजें नहीं मिल रही है, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में अपने राइट्स के लिए कह सकता है। तो न्यायालय इसके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 225 226 के करीब कोर्ट्स वगैरह बना रखे हैं। अनुच्छेद 32 में आपका जो है वर्गीकृत किए गए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया आपको पहले बताया, परामादेश लेख, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेक्षण लेख है ना, ये रिट्स आपके हैं हिंदी में। ठीक है, मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। ठीक है, राइट्स की जो रक्षा करे हमारे, मीन्स हमारे राइट्स तो हैं फंडामेंटल, बट उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सब है। शरीर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करे, न्यायालय को अधिकार है कि किसी बंदी कराए गए व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, यदि बंदी बनाया गया तो व्यक्ति महसूस करता है कि वह गैर कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन पत्र दे सकता है। ओके, क्लियर, सारे रिट्स देख लें आप। तो क्या होता है अधिकार प्रच्छा, अर्थ उसका अर्थ है किसी अधिकार से। ठीक है, न्यायालय में 65 वर्षों से ज्यादा वकालत की मनाही है। ठीक है, उत्प्रेक्षण लेख क्या होता है, अर्थ है पूर्णता सूचित कीजिए, मीन्स फुल इंफॉर्मेशन देना, कि कानूनी प्रक्रियाओं का सूचित कि कैसे क्या हो रहा है उन पे, वो पूरी इंफॉर्मेशन लेने का उनको अधिकार है। उसके मुकदमे में संबंधित सभी कागजात, उपचारों और वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत सरकार 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किया गया। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य था, न्यायाधीश होते हैं इसमें, मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। ठीक है, जो मीन्स ह्यूमन राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो उसका ठीक करता है, मानवाधिकार के संबंध में कार्य को प्रोत्साहित करता है, कि मानवाधिकार मीन्स ह्यूमन राइट्स को ध्यान रखते हुए काम करता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में संलग्न और सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो मानवाधिकार में सरकारी संगठन जो होते हैं उनको प्रोत्साहन देता है कि ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दिया जाए जिससे। अब ये मैंने बिल्कुल डिटो जो लिखा था वो पूरा खींचा है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपका इमरजेंसी लगता है तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हट जाते हैं। मैंने पहले भी हिंदी मीडियम वालों को भी बताया, ओ सॉरी, इंग्लिश मीडियम वालों को बताया, हिंदी मीडियम, ठीक
ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है, तब यह आपातकाल की घोषणा रहती है, नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। अगर आपका वो लगता है, क्या कहते हैं, इमरजेंसी, तो आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बैन कर दिया जाता है, उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता का स्थगन किया जाता है आर्टिकल 358, जो कि इमरजेंसी का पावर है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करती है, और अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। तो जैसे ही आपका इमरजेंसी प्रोविजन 358 लगता है, तो आपका आर्टिकल 19 काम करना नहीं चालू करता और काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके जो बाहर घूम फिर नहीं सकते, आप किसी को बारे में कुछ कह नहीं सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, कम्युनिटी नहीं बना सकते, क्योंकि आपका इमरजेंसी है। तो आपके आर्टिकल 19 का यहाँ पे सस्पेंशन है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन में विलंब, अनुच्छेद 359 के राष्ट्रपति के अधिकार होता है कि आपातकाल में वह भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20-21 में वर्णित स्वतंत्रता को स्थगित कर सके। पार्ट 3 में जो आपका दे रखा है आपको फ्रीडम फंडामेंटल राइट में, वो आपके सस्पेंड कर सकता है प्रेजिडेंट आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी आपकी खत्म होती है, आपकी जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम वाला वो सब सस्पेंड होता है ड्यू टू आपका इमरजेंसी। 1975 में एक बार इमरजेंसी हुआ था, अधिकारों का स्थगन सस्पेंड किया गया था आपके अधिकार, और आपातकाल देश में लागू हुआ था, जिससे संवैधानिक उपचारों मीन्स आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे इसके लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण करने मीन्स किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे थे, ठीक है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति और अनुच्छेद 359 आपातकाल में नागरिकों की न्यायालय से न्याय मांगने के स्थगित कर दिया था, ठीक है। अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों निकासित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी लेवल क्वेश्चन है, कि जो आपका क्वेश्चन था कि क्यों ये जो राइट्स था, एक हमारे पास पहले कौन सा राइट था, वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, वो क्यों हटा गया फंडामेंटल राइट से। आपको पता है कि सरकार इतनी प्रॉपर्टी लाएगी कहाँ से, तो मेन तो यही दिक्कत थी। संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में एक वो हुआ था आपका अमेंडमेंट, तो उसमें आर्टिकल 31 से संबंधित जो थे मीन्स जो कि 31 क्या था आपका राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार जो था, वो यह अधिकार विवादास्पद सिद्ध हुए थे, मीन्स ये जो फंडामेंटल राइट से इससे डिबेट हुआ। संपत्ति के अधिकार द्वारा भारतीय नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त किया कि संपत्ति का अर्जन व उपयोग कर सके, खरीद बेच सके। आर्टिकल 31 के अंतर्गत राज्य का सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार प्राप्त तथा तो उनमें एवज में निजी संपत्ति के, ठीक है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें बता रखा है कि कैसे जरूरी नहीं है, और राशि की पर्याप्तम पर न्यायालय निर्णय नहीं ले सकता था, ठीक है। तो किस प्रकार मौलिक अधिकारों के प्रावधान ने भारत में जन संबंधी आंदोलन को एक प्रदान किया, तो ये फंडामेंटल राइट से कुछ आंदोलन भी हुए, ठीक है। वर्ग विहीन समाजवादी सामाजिक अर्थ आर्थिक व्यवस्था आया, इससे धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध, ठीक है, कि इनमें क्यों डिफरेंस है ये वो, तो राज्य और धर्म आदि के आधार पर विभेद हुआ मीन्स इन पे थोड़ी लड़ाइयाँ हुई। स्त्री व बच्चों के लिए विशेष प्रबंध क्यों है ना, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध, वही रिजर्वेशन वगैरह, अस्पृश्यता का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब पे थोड़ा डिबेट हुआ, ठीक है। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विच इज व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक, डीपीएसपी और राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत, हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो राज्य के नीति, ये बहुत ब्यूटीफुल नोट है, आप चाहे तो पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर लें, और संविधान के भाग 4 में आपका दिया गया है ये 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा वर्ण किया गया है, जिनमें इसका मूल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मीन्स इसको कोर्ट नहीं आपको इसके लिए गवाही या फिर आपकी वो सुनेगा, ये जस्ट आपका डायरेक्शन है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप मीन्स ये चीजें करेंगे, स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है, बट ये उनकी करना ही करना नहीं है, करना ही करना उनका फंडामेंटल राइट्स का है, बट ये उनके ऊपर ये एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करे ना करे वो उनके ऊपर डिपेंड है। और ये हमारे पार्ट 4 में मेंशन है, और आर्टिकल 36 से 51 तक है, और इसे कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो अब इसमें क्या बताया गया है, तो
अनुच्छेद 37 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मूल आधार बताया इसमें, अनुच्छेद 39 जिसमें स्त्री पुरुष को समान जीविका मीन्स जो लिविंग उनको सेम मिले, सेम उनको खर्चा मिले और सेम उनको सैलरी मिले कहीं भी। तो आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देश संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ग्राम पंचायत स्वायत्त शासन इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करते हैं लोग। आर्टिकल 41 राज्य द्वारा अमाजन व्यय काम देने, शिक्षा देना, बीमारी आदि का ध्यान रखना, लोक सहायता देने का निर्देश है। आर्टिकल 2 जो है 12 है जो वो काम की न्याय संगत मीन्स काम ढंग से सबको मिले। आर्टिकल 40 अच्छा 42 है ये, ओके 43 में जनता के लिए कार्य, ठीक है। अनुच्छेद 44 में इसमें समान सिविल संहिता बनाया, ठीक है। और आर्टिकल 45 में 14 साल के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, ये भी फॉलो होता है, ये भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी तक 14 साल तक के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से मीन्स फ्री एजुकेशन चाहिए। ये एक हमारा DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की शिक्षा, ये भी इम्प्लीमेंट होता है। और ये जो SC ST को क्या कहते हैं कॉलेज स्कूल में रिजर्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंग, ओके। और अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, तो आपका जो मीन्स जो पब्लिक स्कूल है, पब्लिक हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंटेशन, ये भी एक हमारा DPSP है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। आर्टिकल 48 राज्य कृषि पशुपालन और आधुनिक वैज्ञानिक चीज़ों में बढ़ावा, राज्य ऐतिहासिक तथा ये सारे आप देख सकते हैं DPSP। आर्टिकल 50 में राज्य न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक करेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, मीन जो हमारे लेजिस्लेटिव और जुडिशरी अलग अलग हो। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांत में अंतर, 5 या 6 नंबर आपके कन्फर्म, 5 मार्क्स कन्फर्म है आपके, इसमें से एक आता ही पूछता है डिफरेंस क्या है भाई। अगर ये दोनों मीन्स लोगों के भलाई के लिए तो हुए, फंडामेंटल राइट और राज्य के निदेशक सिद्धांत DPSP, तो दोनों में क्या अंतर है ये बहुत ज्यादा पूछता। फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको अंतर पता ही लग गया होगा कि न्याय द्वारा मौलिक अधिकार लागू हो सकते हैं लेकिन नीति निदेशक नहीं होते, ठीक है। तो नीति निदेशक सिद्धांत जो होते हैं वो आपका कोर्ट नहीं तय करेगा, कोर्ट आपको उसके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, बट जो मौलिक अधिकार है उसके लिए है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निदेशक सिद्धांत सकारात्मक है, ठीक है। ये डिफरेंस है आपका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। इसका लक्ष्य राज्य नैतिक तंत्र की स्थापना है जबकि निदेशक तत्वों का द्वारा आर्थिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। मीन्स उससे एक लोकतंत्र स्टैब्लिश होती है फंडामेंटल राइट से, बट इससे एक जो आता है आपका स्टेट वेलफेयर स्टेट की स्टैब्लिशमेंट होते हैं और इससे एक एक राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। अत्यधिक नहीं है पर कुछ प्रतिबंध है जबकि निर्देशक सिद्धांतों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पे कोई उस पे प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। बट जो आपके वो होते हैं कौन फंडामेंटल राइट्स उन पे होता है थोड़ा बहुत प्रतिबंध हो जाता है कभी कभी। मौलिक कर्तव्य, अब फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसमें हम पढ़ लेंगे, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है। फंडामेंटल राइट्स तो पढ़ लिया आपने, फंडामेंटल ड्यूटीज जान लेते हैं आइए। तो आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 कॉम्पिटेटिव लेवल्स UPSC और आपके ये आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस आर्टिकल के तहत, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 42 है, अमेंडमेंट है ना आपका, अमेंडमेंट 42 है जिसमें मीन्स जो आपकी श्रीमती गांधी जी ने आपातकाल में क्या करा था, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी थी और इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज की सूची जोड़ दिया गया था, ये अमेंडमेंट 42 से हुआ था। एंड नया भाग आया था एक आपका जो कि भाग 4A था, पार्ट 4A था जिसमें कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आपको मौलिक कर्तव्य मिले थे, मीन्स आपको क्या क्या देश के लिए करना चाहिए। तो मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, आप देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें, देश के लिए सम्मान रखें, झंडा ना जलाएं, झंडे का हमेशा उसका इज्जत करें और अपने देश के लिए करें। जैसे कि आपको थिएटर्स में आपके एंथम पे, नेशनल एंथम पे खड़ा होना पड़ता है, तो आपको अपने देश के राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, आदर्श जो है हमारे देश के वो पालन करना है। भारत की प्रभुता मीन सॉवरेनिटी बनाए रखनी है, आपको इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो में भी मिल जाएगा कि कैसे आप
देश की अखंडता वगैरह बनाए रखेंगे, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, अक्षुण रखेंगे, मीन्स उसको टूटने नहीं देंगे, हमारी एकता है ना, आपकी जो इक्वेलिटी है। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 3 है, प्रतिनिधि प्रजातंत्र की प्रणाली, ये आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप चेक कर ले, मैंने लिखा नहीं था उस टाइम, कहीं और लिखा होगा आपके लिए। क्वेश्चंस वगैरह मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है इससे पूछेगा, तो आप ये सब लिख सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब कर दिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये 5 नंबर का जरूर प्रिपेयर कर लें, आपका डिफरेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स और DPSP में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर हिंदी मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम वगैरह की भी वीडियो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।